तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, वी आर बेसिकली बिगिनिंग दिस सीरीज़ ऑन दी मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। अब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, दैट विल बी दी PMDC ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फो दे दूँ, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी PMDC ऑर्डिनेंस। तो होता कुछ यूँ है कि विद इन दी हिस्ट्री एंड विद इन दी वेरियस रीजन्स, देयर हैज़ बीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे इंडिया में देर हैज़ बीन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न में देर हैज़ बीन यूनानी टिब, चाइना में देर हैज़ बीन एक्यूपेंचर मेडिसिन। ये सारी पुरानी वो थी मेडिसिन, एंड देन रिसेंटली द वेस्टर्न मेडिसिन विच इज़ नोन एज दी एलोपैथिक मेडिसिन, जो अब वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है, ठीक है। अब एलोपैथिक मेडिसिन इज़ गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ लॉज, एंड इट इज़ नाउ ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करता है वगैरह जो भी। तो द सेट ऑफ रूल्स में जो सबसे पहला सेट ऑफ रूल है, दैट इज़ रिगार्डिंग दी PMDC ऑर्डिनेंस, जो पाकिस्तान में हो रही है। ऑब्वियसली हर जगह की अपनी ऑर्डिनेंस होगी, जो कमेटी बनी होगी, जो सारे लीगल एस्पेक्ट्स मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के डील कर रही होगी पाकिस्तान में, दैट इज़ द PMDC ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके अलावा भी लॉज होते हैं, जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के लॉ, मेडिकल एथिक्स के लॉ, कंसेंट के लॉ, मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोफेशनल सीक्रेसी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लॉज, ये सारे लॉज होते हैं। लेकिन अभी जो आज हम लॉ डिस्कस करेंगे, दैट विल बी दी PMDC ऑर्डिनेंस, एंड देन उसी रिलेटेड दो साइड दो माइनर लॉज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब PMDC ऑर्डिनेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ के देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन इज़ टू इस्टेब्लिश अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर, तो RMP एंड RDP, ठीक है। इसके अलावा टू परफॉर्म एलोकेटेड ड्यूटीज़। अब कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो देख लेते हैं। और वो कैसे परफॉर्म होती हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो ड्यूटी है, दैट इज़ दी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ RMP एंड RDPs। ठीक है, अब RMP और RDPs का जो रजिस्टर है वो मेंटेन होता है, उसमें हमारे पास ऑब्वियसली RMP और RDPs की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह। ठीक है, एंड दिस इज़ डन बाय दी काउंसिल के रजिस्ट्रार, PMDC का जो काउंसिल है उसके रजिस्ट्रार से ये मेंटेन वो करते हैं, एंड इट इज़ डन अंडर दी सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहली ड्यूटी क्या थी, मेंटेनेंस ऑफ दी रजिस्टर, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी ऑफ दी RMPs एंड RDPs। सेकंड इज़ दी मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल एंड डेंटल प्रोफिशंसी, मतलब कि जो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काबिलियत को मेंटेन करना, बेसिकली कि वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें वगैरह, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, नंबर वन इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स। ठीक है, सेकेंड वन इज़ द इवेल्यूएशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडीज़, ठीक है, जो मेडिकल और डेंटल कोर्स ऑफ स्टडीज़ है उसकी इवेल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, ड्यूरेशन, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज़ द रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस,
institution for teaching and examination facilities. ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड ड्यूटी और या फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड एलोकेटेड ड्यूटी फॉर दी PMDC. थर्ड ड्यूटी PMDC की क्या है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट स्क्रूटनी. ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं. अब होता यूँ है कि किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इन लेटर लेक्चर्स. अभी मैं सिर्फ उसका वो बताता हूँ कि किसी ने मिसकंडक्ट किया है तो फिर वो कैसे डील होता है विद इन PMDC. ठीक है, बाकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और ये भी जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये फिर से रिपीट होगा इन दी अपकमिंग लेक्चर्स जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पर होगा. ठीक है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ये होगा कि कंप्लेन करेगा कोई. अब कंप्लेन कौन कौन कर सकता है, या तो पेशेंट खुद कंप्लेन कर रहा है ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द डॉक्टर, या फिर तो हेड ऑफ हॉस्पिटल है वो कंप्लेन कर रहा है. ठीक है, मेनली यहाँ दो से आती हैं, उसके अलावा तीसरा कोई क्रिमिनल कोर्ट वगैरह उसने कंप्लेन की है इस डॉक्टर के ख़िलाफ़, तो कोई क्रिमिनल केस वगैरह. ठीक है, कंप्लेन जाती है PMDC के प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, अब या तो वो कंप्लेन फ्रिवलस है, फ्रिवलस मतलब कि फालतू है बेसिकली, कि कंप्लेन में कोई बेसिस नहीं है, लाइक ऐसे ही कुछ बना दिया है एंड देन वो कंप्लेन चली गई है. ठीक है, या पर वो कंप्लेन इज़ एक्चुअली वैलिड और इट नीड्स एक्शन. ठीक है, अगर फ्रिवलस है तो वो कंप्लेन डिसमिस हो जाएगी, लेकिन अगर नीड एक्शन है तो फिर क्या चाहिए होगी, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अपनी क्या देगा, एक्सप्लेनेशन देगा. अब एक्सप्लेनेशन उसने ली, या तो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री थी कि हाँ इसने सही बोला, कि इसकी जो वजह इसने बताई वो ठीक बताई एंड वो मानता भी है कि सही, तो फिर वो क्या होगी, कंप्लेन डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि ठीक है यू नो उसके ये गलत नहीं हुआ उसने, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन सही हुई दैट मीन्स कि दैट वाज द बेस्ट चॉइस उसने. अगर एक्सप्लेनेशन उसकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है दैट मीन्स कि या तो वो इनकार कर रहा है, या फिर वो बोल रहा है कि इवन अगर वो अपना जो रीजनिंग बता रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो अब दो चीज़ें, या तो वो जो उसने गलती की है वो ऑर्डिनरी गलती है, मतलब कितना कोई ज़्यादा मसला नहीं है किया उसने खड़ा. ठीक है, मे बी कोई छोटी सी गलती होती, इतना कोई ज़्यादा था नहीं, तो फिर वार्निंग दे के एंड कुछ उसको ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर गलती जो है वो सीरियस है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, तो फिर अब ये रेफ़र हो जाएगी टू डिसिप्लिनरी कमेटी. ठीक है, अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है दैट इज़ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. अब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या करेगा कि सबसे पहले तो ये कंपनी थोड़ी सी पहले बोलेगा कि प्रूफ वगैरह है नहीं है, अगर नॉट प्रूफ तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगी. ठीक है, कंपनी वो प्रूफ ही नहीं है तो फिर वो है. अगर प्रूफ है और प्रूफ हो चुका है तो फिर अब दो हैं, या तो वो सीरियस कंप्लेन इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी तो वार्निंग. ठीक है, अगर सीरियस कंप्लेन है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंप्लेन है तो सस्पेंशन हो जाती है. अब सस्पेंशन डिपेंडिंग ऑन दी सिवियरिटी अगेन कैन बी टेम्प्ररी, मतलब कि 3-4 साल या भी 5 साल, या फिर परमानेंट, मतलब कि लाइसेंस रिवोक्ड, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, PMDC से ताल्लुक़ नहीं है उसका. ठीक है, तो ये है हमारे पास दी एलोकेटेड ड्यूटीज़ वगैरह, तो ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की स्क्रूटनी होती है. फिर हम आते हैं कि PMDC में लाइक हाउ इज़ PMDC मेड. तो PMDC के दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, या फिर दो पार्ट्स कर लो चलो. एक होता है वो बंदे जो इलेक्टेड होते हैं, दूसरे वो बंदे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं. ठीक है, इलेक्टेड बंदे मेनली जो नेशनल असेंबली प्रोविजनल प्रोविंशियल असेंबली वहाँ से आ रहे होते हैं. तो नेशनल असेंबली से एक बंदा, प्रोविंशियल असेंबली से देर विल बी 4 पीपल, मतलब कि 1 from each province. ठीक है, उसके अलावा मेडिकल डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटीज़ में से एक एक बंदा, एंड पब्लिक सेक्टर में से
एक एक बंदा, ये पब्लिक एजुकेशनल सेक्टर वगैरह एंड प्राइवेट सेक्टर में से भी हर जगह से एक बंदा, ठीक है। उसके अलावा 4 RMPs एंड 4 RDPs, ओ नॉट 4 सॉरी, 2 RDPs, ठीक है। तो ये थे इलेक्टेड वाले कैसे। नॉमिनेटेड में देर इज लीगल पार्ट एंड मेडिकल पार्ट। लीगल वाले में इट्स सिंपल, एक एक्स जज होगा जो या तो हाई कोर्ट का होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है। एंड देन मेडिकल वाले में देर इज़ फेडरल गवर्नमेंट के 2, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के 4, मतलब कि 1 each, एंड आर्मी मेडिकल सेंटर के 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए बेसिकली जो एलोकेटेड बंदे होते हैं ड्यूटीज़ वगैरह। तो PMDC की जो काउंसिल है वो इनमें से इससे बनती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं RMP पर के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसकी प्रिविलेजेस क्या हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अभी थोड़े से माइनर टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टू PMDC हैं। तो वन ऑफ देम इसके RMP के प्रिविलेजेस क्या हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं। अनदर फिर हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, एक और माइनर लॉ है। एंड देन फाइनली विल डू मेडिकल डिग्री, मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस, इन दोनों को हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ द प्रिविलेजेस ऑफ RMP एंड ड्यूटीज ऑफ RMP। प्रिविलेजेस ऑफ RMP इज के दे कैन प्रैक्टिस देयर मेडिसिन इंडिपेंडेंटली। ठीक है। एंड इसके अलावा दे कैन सर्व फी फॉर चार्ज फी फॉर द सर्विसेज, ठीक है। एंड दे कैन इशू मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, प्रिविलेजेस हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं कि अगर वो अपनी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन PMDC के रजिस्टर में है, अगर वो अपनी जगह एड्रेस वगैरह चेंज करते हैं तो उनको नोटिफाई करना है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। ठीक है, सबसे पहली ड्यूटी ये है। सेकेंड ड्यूटी इज के नॉट यूजिंग एनी नेम या फिर टाइटल विच इंडिकेट्स दैट दे आर क्वालिफाइड फॉर समथिंग दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड। बस फर्ज अगर कोई अपने नाम के सामने MD या FCPS लगा रहा है लेकिन उन्होंने FCPS क्लियर नहीं किया या MD क्लियर नहीं किया तो ये नहीं करें, ठीक है। दैट इज़ इलीगल विच इंडिकेट्स दे पोजेस। एडिशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ये हैं RMP के प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज। फिर हम आते हैं टू दी नेक्स्ट माइनर लॉज, 2 रह गए। दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट अब मिसयूज किसका, मिसयूज ऑफ द PMDC ऑर्डिनेंस वगैरह, अब वो हम बताते हैं कि क्या सीन है। एंड देन देर इज मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस। अब प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट जो है वो ये कहता है कि नो वन अदर देन RMP कैन, ठीक है, यूज द वर्ड डॉक्टर टू गिव इंडिकेशन या फिर टू गिव इम्प्रेशन के दे आर एसोसिएटेड विथ मेडिकल फील्ड। ठीक है। एंड सिमिलरली कैन नॉट यूज़ द वर्ड MD या फिर मेडिकल डिग्री, मेडिकल डिप्लोमा टू गिव द इम्प्रेशन के दे आर सर्टिफाइड या फिर क्वालिफाइड इन दी मेडिकल फील्ड। उसके अलावा दे कैन नॉट परफॉर्म एनी सर्जरी एक्सेप्ट सर्कमसिजन, इंजेक्शंस एंड इंसिजन ऑफ बॉय।
ठीक है, एंड फाइनली प्रिस्क्राइब डेंजरस ड्रग्स, आई मीन लाइक एंटीबायोटिक्स भी डेंजरस ड्रग्स में ही आ जाती हैं, ठीक है, लाइक जो ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर ये किसी ने भी किया तो ये को केस जाता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास, एंड इस पे लगता है 1 साल का जुर्माना एंड 2,000 रुपीज़ का फाइन, ठीक है। सेकंड जो लॉ था दैट इज़ द मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस, ठीक है, मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस ये कहता है कि बेसिकली जो जाली डिग्रीज हैं उसके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस बना है, ठीक है। तो प्रोहिबिट्स अनऑथराइज्ड कंफर्मेंट ऑफ मेडिकल डिग्रीज एंड डिप्लोमास, ठीक है, बाय अनऑथराइज यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेक्टर्स हो गई हैं। ये भी केस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, इसमें 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एंड 50K रुपीज़ का फाइन लगेगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर PMDC वाला सारा हिस्सा, एंड दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर इन द मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। फिर हम आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे विच विल बी कमिंग वेरी सून।